वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल्सो। और आज के व्लॉग की शुरुआत गाइज हो रही है, मेरा सारा काम ऑल सेट हो गया है, मैं यहाँ बैठ के कौन बनेगा करोड़पति हम लोग सुबह सुबह देख रहे हैं। तनिष्का का हाफ डे हो चुका है, तनिष्का आ चुकी है स्कूल से, ये देखिए गाइज। और ये कहाँ बैठ के ना खाना खा रही है, डैडी के साथ में नाश्ता कर रही है। नाश्ता कर रही है गाइज। और मैंने आज बनाया है वेज पुलाव, मटर पनीर और आलू का नाश्ते में। और अभी तनिष्का नहीं आई है और हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी हूँ रिलैक्स होके। और बाहर जो गाइज आज मौसम है ना, वो फिर वैसे ही हो रहा है, मानसून डे है, आज भी धूप नहीं निकल रही है। टीवी की थोड़ी आवाज़ कम कर लो। और ये और गाइज यहाँ पे ना तनिष्का ने अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज की है और खाने लग गई है। देखिए से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे बना पुलाव? अच्छा। और गाइज इसको आते ही ना बहुत तेज भूख लग गई थी तो ये खाने लग गई है। और मैं यहाँ पे ना अभी चाय पीकर बैठी हूँ, मैं खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। सो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे, ज्वाइन करते हैं मिश्का के साथ आपको, तब तक के लिए टाटा। और गाइज आज सरप्राइजली ना हम तीनों की तीनों ना मिश्का को लेने के लिए जा रहे हैं और उसे देने वाले हैं बहुत बड़ा सरप्राइज। और यहाँ देखिए बैठी है हमारी मिश्का तनिष्का और हम देने वाले हैं मिश्का को एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज, और जिसे देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और कैप्चर करेंगे उसका रिएक्शन भी कि क्या होगा तीनों को देख कर, कैसे खुश होती है वो। यही स्पेशल मोमेंट होने वाला है आज के ब्लॉग का। और गाइस मिश्का का रिएक्शन देखिए। मिशु आपको कैसा लगा हम तीनों आपको लेने आए? अच्छा। कैसे लगा आपको सरप्राइज हमारा? बहुत अच्छे, जल्दी तो चलो बारिश हो रही है। और गाइस यहाँ पे तनिष्का दोनों की दोनों लेकर आई हैं चीज, ये देखिए। गाइज ये दोनों की दोनों देखिए लेकर आई हैं अपनी अपनी स्मूथ ड्रिंक यहाँ पे। विशु अच्छा लगा ना मम्मा का सरप्राइज आपको? आर यू हैप्पी? से आई एम हैप्पी। तो गाइज ये था मिश्का के लिए छोटा सा सरप्राइज, जिससे मिश्का को जो देखने रहा था ना, जैसे क्लास से निकलती है ना ये ढूंढती है मम्मा का है दीदी का है। और कल ये लड़ाई कर रही थी दीदी से, तू मुझे लेने क्यों नहीं आई, दीदी मुझे लेने क्यों नहीं आई। तो आज हम तीनों ही पहुंच गए इसको लेने के लिए। और गाइस बारिश ना बहुत तेज स्टार्ट हो गई है, मैं कपड़े बाहर सुखा कर आई हूँ, आधे कपड़े सूखे नहीं है, इतने ज़्यादा गीले हो जाएंगे अब। चलिए जल्दी से चलते हैं, पहुँचते हैं घर पर। यहाँ पे आ चुकी है हमारी मिशकू और मिशकू से पूछते हैं, मिशू हमारा सरप्राइज कैसा लगा आपको? अच्छा ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, थम नाइस ना। और गाइस यहाँ पे ना अभी पोलियो की ना दवा पिलाने के लिए आए हुए थे घर पे, तो मिश्का ना थोड़ी सी डर गई है, उसको ये लग रहा है, मिश्का को ये लग रहा है कि उसको इंजेक्शन लगेगा, इसलिए थोड़ी सी डर गई है। और उसको ना ये निशान लगा दिया, जैसे वोट डालते हैं वैसा निशान लगा दिया यहाँ पे। और गाइस आज हमने दिया मिश्का को एक बहुत बड़ा सरप्राइज, बिकॉज कल ये गुस्सा हो रही थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कल ये ना थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी कि दीदी लेने क्यों नहीं आई मुझे। और आज हम सब पहुंच गए इसको लेने के लिए, है ना मिशु? और वहाँ से लाई है ये अपनी स्मूथ और स्मूथ एंजॉय कर रही है। अच्छा लगा? खत्म भी हो गई। खत्म भी हो गई। सो मिश्का से पूछते हैं, मिशु आज आपका डे कैसा गया? बहुत अच्छा। आज की तो आपकी तो मैम बड़े प्यार से बात कर रही थी आज। देखा था? हाँ मैंने पूछा था ना हॉलीडे होमवर्क के लिए बुक वाला, तो मैम कह रही अरे मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं कल दे देना, मैं याद से ले लूँगी, है ना मिशु? सो गाइस मैं मिश्का को ना खाना खिला रही थी, तनिष्का ने तो आते ही ना पुलाव एंजॉय कर लिया है अपना डैडी के साथ में, अब मैं और मिश्का रह गए हैं, तो फटाफट से हम लोग भी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, टाटा। और ये मैडम यहाँ पे स्किपिंग कर रही है और थोड़ा सा ना स्किपिंग आपको दिखाने वाली है गाइस, ये देखिए। पर ये स्किपिंग
और ये स्किपिंग रोप है, और यहाँ पे ना मिश्का गाइस आपको स्किपिंग करके दिखाने वाली है। मिशू डू तनिष्का सॉरी तनिष्का आपको स्किपिंग करके दिखाने वाली है। वेरी गुड वेरी गुड। अब वो दोनों पैर वाला, हाँ और यहाँ पे आ चुकी है मिश्का, मिश्का करके दिखाएगी गाइस आपको। यहाँ पे ना अभी मिश्का को आता नहीं है बिल्कुल भी, कैसे जंपिंग करी जाती है स्किपिंग रोप पे, बट शी इज ट्राइंग। क्रॉस करना है बेटा उसको, क्रॉस करना होता है। देखो, देखो दीदी के स्टेप्स देखना, फिर आप वैसे ही फॉलो करना, ठीक है? अभी आप ना जंप वाला मत करो, अभी आप बताओ कैसे करोगे। पहले ऐसे पकड़ा, इसको आगे लाए, फिर ऐसे ऐसे। नहीं और गाइस देखिए तनिष्का का स्टाइल यहाँ पे, तनिष्का ने दो चोटी बना ली है अपनी, ताकि वो अपने बाल और ना कुछ करके दिखाने वाली है। अब ये दोबारा से ना हमें ना फास्ट वाला करके दिखाने वाली है तनिष्का, जो दोनों पैरों का होता है। वेरी गुड बैठ गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। यस यस गुड ग्रेट। और गाइस अभी इसके ना बाल छोटे हैं, लेकिन ये हेयर बैंड लगा के ना, तू गर्मी के मजे ले बबुआ, हेयर बैंड लगा के ना ये अपने लंबे बालों का एंजॉयमेंट ले रही है कि अगर मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी लाइक दिस। और यहाँ पे ना मिश्का के पास है मिश्का का पाउच, और मिश्का बैठी हुई दीदी से महाराजाओं की तरह बैठी हुई है हमारी मिश्का। चलते हैं मिश्का के पास कैमरा लेके और मिश्का से पूछते हैं, मिशू ये क्या है आपके पास? मेरा पाउच। पाउच है? इस पाउच में क्या क्या है? इस पाउच के अंदर बच्चों की चीजें हैं। ओके और छोटे बच्चों की। और ये आप स्कूल तो नहीं लेके जाओगे? लेके जाओगे? नहीं। वेरी गुड, स्कूल नहीं लेके जाते, स्कूल में ऐसी चीजें नहीं लेके जाते ना, नहीं तो फिर बच्चे ना ले लेते हैं ना बेबी। हाँ ट्यूशन के बैग में रख लेना, वहाँ पे बच्चे कम होते हैं वहाँ ले जाना, ठीक है? ओ गाइस यहाँ पे ना तनिष्का मिश्का जा रही है ट्यूशन, ये देखिए मिश्का ये रही। और गाइस आज ना हमारे साथ हुआ ऐसा इंसिडेंस है कि हम लोग ना दोपहर में तनिष्का मिश्का लंच करके, मैं लंच करके ना ऐसे ही खेलते खेलते लेट गए। हमने सोचा अभी ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ है, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और गाइस रेस्ट ऐसा किया कि हम लोगों की आँख लग गई, और 2 बजे के सोए सोए हम लोगों को 5 बज गए। तनिष्का मिश्का का ना ट्यूशन स्किप हो गया, सो ये अब जा रही है ट्यूशन। अब यहाँ पे ट्यूशन जा रही है दोनों, ये देखिए। और हमें पता ही नहीं चला आज हम लेट हो गए थे गाइस। और बाहर का ना वेदर देखिए, बारिश वाला ही हो रहा है, बारिश हुई थी दोपहर में बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद बंद हो गई है। और अब ऐसा मौसम हो रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे इन दोनों को ट्यूशन छोड़ने। यहाँ पे तनिष्का मिश्का आ चुकी हैं ट्यूशन से, और मिश्का लग गई है पार्क में, जाना था इन दोनों को पार्क में गई, बट वहाँ बहुत ज़्यादा बैठी बैठी हो रहा था, सारे झूले बैठी हो रखे थे, और घास इतनी ज़्यादा गीली थी कि इन लोगों का खेलने का कोई मन ही नहीं करा। ऊपर से फिर बूंदे और आ गई बारिश धीरे धीरे और आ गई, तो हम लोग आ गए पार्क से यहाँ पर घर। और यहाँ पे मिश्का और तनिष्का का कल से है एग्ज़ाम, तो ये दोनों कर रही हैं प्रिपरेशन। बट और गाइज यहाँ पे मेरी चल रही है चाय, मैं चाय पी रही हूँ जब तक ये दोनों रिवीजन कर लेती हैं, उसके बाद ना हम एक छोटा सा चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है तनिष्का? वो होगा, बहुत ही एक्साइटिंग है और हिलेरियस होने वाला है, तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। मिलती हूँ मैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। टाडा। टेबल के ऊपर बैठ गए, स्टडी बुक के लिए होता है स्टडी टेबल, और ये स्टडी टेबल पे बैठ गए, देखिए अपना होमवर्क डन कर रही है। इसके देखिए कलाकारी देखिए, इसका दिमाग देखिए कि स्टडी टेबल के ऊपर। बेटा इसके ऊपर बुक रखते हैं कि आप बैठोगे?
बुक बैठती है इसके ऊपर, बुक रख के करते हैं। अच्छा ये देखिए गाइस, ये देखिए इसकी हरकतें देख लो जरा, ये ऐसे कौन स्टडी करता है तनिष्क? साजू देख ले मिश्का का न्यू स्टाइल स्टडी करने का, मिशु ऐसे नहीं करते बेटा। अब इसके ऊपर अपने पैर रख ले फिर। सर नीचे पैर ऊपर कर ले ठीक है। और गाइज यहाँ पे ना तनिष्का कर रही है अपने रोपिंग की प्रैक्टिस, और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको तनिष्का ने कितनी प्रैक्टिस कर ली है। पहले तो ये एक दो स्टेप ही कर पा रही थी, बट अब ये ज़्यादा स्टेप्स कर रही है। तो मिशु यू डू फास्ट योर होमवर्क। गाइज यहाँ पे ना तनिष्का कर रही है, देखिए रोपिंग के साथ में कथक कर रही है। और हम तनिष्का को ना आज एक वो देने वाले हैं, चैलेंज देने वाले हैं रोपिंग का ही, कि तनिष्का को 10 वो करनी है, स्किपिंग करनी है, 10 स्किपिंग करनी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और कंटिन्यूसली करनी है, और देखते हैं ये कितने सेकंड्स में कंप्लीट कर पाती है 10। क्योंकि तनिष्का ने 4 और 5 तो सीख लिया है, 4 और 5 तक, देखते हैं ये 10 कर पाती है या नहीं, अपने चैलेंज को कितना फुलफिल करती है। फोर थ्री टाइम्स हो गया, ओके नॉट बैड, सेकंड चांस, एट टाइम्स और करना था, नहीं 2 टाइम्स। गाइज ये रोपिंग ना इसके पास 2 दिन पहले ही आई है, और इसने ना बहुत अच्छा से अटेम्प्ट किया है, 4 स्टेप करना सीख लिया है इसने 2 दिन के अंदर। 1 2 3 4 4 और वो वैसे वाला करो जिंगल बैल वाला, एक टांग इधर वाला, ऐसे एक पैर वाला बेटा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ना ऑलवेज। समर वेकेशन है गाइस। सो यहाँ पे हो चुका है हमारा अच्छा अच्छा सा डिनर, और हम लोग डिनर करके अब रेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों मैम ही देखिए गाइस, अभी 9 बज रहे हैं, जब 10 बज जाएंगे तो मैं इसने डिसाइड कर रखा है कि ये 10 बजे सोएगी गाइस। और मिश्का आप कितने बजे सोओगे? 3:30। कितने बजे बजेंगे पता है? जब रात बीत जाएगी उसके बाद 3:30 बजेंगे। कल भी 12:30 बजे सोई थी। तो गाइस ये दोनों फ़ोन में लग गए, और मैं भी यहाँ पर अपने कुछ एक्साइटिंग से व्लॉग देख रही हूँ जो मेरे फेवरेट्स हैं, बिकॉज उन्हें देखे बिना मेरा भी दिन नहीं निकलता है। जब मैं चाय पीती हूँ या खाना खाती हूँ तो मैं अपने फेवरेट व्लॉग्स भी देखती हूँ, और साथ में अपने भी व्लॉग्स देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपने व्लॉग की एडिटिंग करने, ताकि टाइम पे व्लॉग आपको मिले सुबह। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शाओ रमन। सो